हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मेवात शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कोरोना के मामलों को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक के बाद मेवात के पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि नल्लड़ मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने का आज फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के बाद यहां पर अतिरिक्त बेड की व्यवस्था भी की जा सकेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए भी सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी के चलते 2 BSA प्लांट भी यहां पर लगाए जाएंगे। इसी क्रम में यहां पर कंटेनर की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी ऑक्सीजन की सप्लाई हिसार और पानीपत के अलावा बाहर के कई राज्यों से हो रही है और सरकार की प्राथमिकता यही है कि यही ऑक्सीजन सप्लाई की चेन ना टूटे, इसके लिए खाली टैंकर एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं और भरे हुए ऑक्सीजन के टैंकर रेल के जरिए प्रदेश में पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन के बारे में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन लगाना समय के आवश्यकता हमें पता है कि लोगों को लॉकडाउन से परेशानी होती है, लेकिन कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी भी है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस हिसाब से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से इलाज की भी आवश्यकता है और इसलिए प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में इंतजाम वो खुद देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि घरों से बाहर तभी निकलें जब कोई जरूरी काम हो और जब भी निकलें मास्क अवश्य पहन कर निकलें। कोरोना को हम घर पर ही रहकर हरा सकते हैं। कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी हिसाब से जो इलाज की आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ रही हैं, तो हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितनी हमारी हेल्थ सर्विसेज हॉस्पिटल्स हैं, उन सब की व्यवस्थाएं ठीक रहें और ख़ास करके सप्लाई चेन ये हमारी न टूटे। अभी चूँकि ऑक्सीजन एक ऐसा चैलेंजिंग एक तो विषय है, इसकी सप्लाई चेन लगातार बनी रहे, क्योंकि तो रोज़ाना ये बाहर से भी आ रही है। अपने प्रदेश में तो केवल एक सार का प्लांट और पानीपत का प्लांट है, बाकी कहीं भिवाड़ी से आ रही है तो कहीं हिमाचल से आ रही है, उत्तराखंड से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है, उड़ीसा से आ रही है। सब जगह से सप्लाई चेन हमने ठीक बना दी है। ट्रेन के द्वारा भी टैंकर हमारे आ रहे हैं, खाली टैंकर हवाई जहाज के द्वारा भी वापस वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं, तो ये चेन सब बनी हुई है और इसमें नीचे तक की सप्लाई जितनी हमारी है उस हिसाब से व्यवस्थाएँ बन रही हैं। यहाँ आज हमने जो विचार किया है तो यहाँ पर और भी व्यवस्थाएँ बेड्स की बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन ऑक्सीजन का कोटा थोड़ा बढ़ेगा तभी हम बढ़ा पाएंगे और मैं समझता हूँ एक आध दिन के अंदर यहाँ का कोटा और हम बढ़ाएंगे ताकि यहाँ कुछ वेंटिलेटर्स और कुछ ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाया जा सके, ज़्यादा पेशेंट्स को भी यहाँ और लाभ मिल सके। ये व्यवस्था बना रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बाद वो जरूरी दवाइयों की बात होती महंगे हो जाएंगे, क्या अभी इन लोगों ने कहा है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बाद? हमने कहा BSA जो प्लांट होता है उसको 2 BSA प्लांट ये लगाने की अपनी तैयारी करें और उसकी चूँकि अब लगातार मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ की ऑक्सीजन की आवश्यकता तो हर समय रहेगी और इसी प्रकार ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए कंटेनर वो भी व्यवस्था हम करेंगे यहाँ, ताकि ऑक्सीजन का यहाँ स्टोरेज भी किया जा सके। अभी तो सारी ऑक्सीजन यहाँ सिलेंडर से आती है और सिलेंडर से लाने करने में क्योंकि सप्लायर पलवल में वो भी अपने आप में कठिनाई है, लेकिन उसको हल करने के लिए आज अपनी योजना बनाई है तो जल्दी उसको हल करना है। देखिए एक हमारी कोई इच्छा ऐसी नहीं है कि लॉकडाउन लगा करके कोई किसी को आनंद आता है। लॉकडाउन एक मजबूरी वश एक समय की आवश्यकता के हिसाब से ये हमको लगाना पड़ा है और ये इसके कारण से लोगों को कठिनाई तकलीफ होती है मालूम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमारी चिंता है कोविड की। कोविड कोरोना ना फैले तो उसको ना फैले, इसलिए लोग जो है अपने घरों में रहें और लोग बहुत आवश्यक है तभी बाहर आएँ, अन्यथा घर में रहेंगे तो इसका जो फैलाव है उस चक्कर को। साथियों सलाम नमस्कार। आज कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए ज़रूरी संसाधनों के संबंध में मुख्यमंत्री को मैंने पिछले 5 दिनों में 2 बार अवगत कराया। आज मुख्यमंत्री मेवात आए तो उन्हें व उपायुक्त महोदय को एक पत्र लिखकर हमने शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन प्लांट वहां स्थापित करने की मांग रखी, वेंटिलेटर व ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए कहा, जीवन रक्षक दवाएं मुहैया कराने के लिए हमने उसमें आग्रह किया।
अलाफिया हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ऑक्सीजन बेड लगाना, उन्हाना हतीन तावड़ू व मेवात के हर सरकारी अस्पताल में सभी पीएचसी सीएचसी में ऑक्सीजन बेड व कोरोना की दवाइयां आम जन तक मिले ये सुनिश्चित करने के लिए कहा। 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को जो वैक्सीन जो शुरू होनी थी उसे बिना किसी विलंब के उसे मुहैया कराया जाए जिससे उसका फायदा उठा सके। साथियों, हमने ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की भी मांग करी जो अत्यंत जरूरी भी है, जिसे तुरंत जो है बढ़ाया जाना चाहिए। हमारा आग्रह है कि मुख्यमंत्री जनहित में और कोरोना की संकट को देखते हुए इन सभी मांगों को पूरा करें जो कि हमारे इलाके और कोरोना के पेशेंटों के हित में है। शुक्रिया।